सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हालिया के अखबारों में दो खबर मुख्य रूप से छाई हुई थी। पहली खबर थी कैसे दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की आधी संपत्ति है, और दूसरा पैराडाइज पेपर लीक, कैसे ये टैक्स हेवन देश लोगों को अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने जा रहे हैं। क्या है ये दोनों खबरें और क्या है पैराडाइज पेपर लीक, और आज किस बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर। जर्मनी के एक अखबार ने दो लॉ फर्म सिंगापुर की एशिया सिटी और बरमूडा की एप्पल बे से ये डॉक्यूमेंट पाए, और इन डॉक्यूमेंट को उसने दिया आईसीआईजे को। आईसीआईजे यानी कि अब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, को एक संस्था है जिसकी दुनिया भर के खोजी पत्रकार और पत्रकारों का समूह उसका मेंबर है। आईसीआईजे ने इस डॉक्यूमेंट को दुनिया भर के अलग अलग देशों के पत्रकारों को दिया। इंडिया में ये डॉक्यूमेंट मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस को एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और इंडियन एक्सप्रेस ने 10 महीने की अपनी रिसर्च के बाद इस पे 40 रिपोर्ट को पब्लिश किया। ये पेपर लीक कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जो अब तक की सबसे बड़ी पेपर लीक थी जिसमें डॉक्यूमेंट की जो कैपेसिटी थी वो 2.9 TB, जबकि पैराडाइज पेपर लीक में 1.4 TB का डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। अगर हम भारत के आप सापेक्ष में बात करते हैं तो 190 देशों का नाम आता है इस पैराडाइज पेपर लीक में, जिसमें भारत डॉक्यूमेंट के हिसाब से, नाम के हिसाब से 19वें रैंक पे आता है। 713 लोगों का इसमें भारत में नाम आया है, जो काफी बड़े लोग हैं, काफी नामचीन लोग हैं। अगर इंटरनेशनली देखें तो जिनका नाम आता है वो है ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडे का, यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस, एप्पल कंपनी का, नाइक कंपनी का, और बहुत ही ढेर सारी कंपनियों का नाम आता है। भारत में देखें तो अमिताभ बच्चन का नाम सबसे मुख्य आता है, संजय दत्त की वाइफ का नाम है, खेतान ग्रुप का नाम है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा का नाम है, और राज्यसभा के सांसद आर के सिन्हा का भी नाम आता है। आईसीआईसी ने अपने रिपोर्ट में ये क्लियर किया है जिन लोगों का नाम आया है, इनका नाम आने का मतलब नहीं है कि इन्होंने गलत तरीके से पैसे वहां जमा किए हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों ने लीगल तरीके से पैसे जमा किए हैं, क्योंकि वहां के कानून, जो टैक्स हेवन देश है वहां के कानून इसको परमिट करते हैं। टैक्स हेवन देश के बारे में जानना है तो आप आई बटन में जाके हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कैसे टैक्स हेवन देश इस इकोनॉमी को और आम पब्लिक को प्रभावित करते हैं, वो तीन तरीके हैं। पहला सीक्रेसी, सीक्रेसी वहां के ट्रांजेक्शन की इतनी सीक्रेसी होती है कि कोई पता नहीं कर सकता है, इसलिए ड्रग ट्रेडर्स यानी कि और मनी लॉन्डरर्स वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की काफी कमी है कि किस ट्रेडिंग के लिए, किस बिजनेस के लिए पैसे दिया गया है, उसकी क्लियरिटी नहीं होती है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैक ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, यानी जो बड़े लोग होते हैं वो टैक्स हेवन देश की सुविधा का लाभ तो उठा पाते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है, गरीब लोग है, वो इस टैक्स हेवन सुविधा का लाभ उठा नहीं सकते। यानी आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं ये टैक्स हेवन देश अमीर को अमीर और गरीबों को और गरीब बनाते हैं। साथ में इसके साथ एक दूसरी खबर निकल के आती है कि 1% लोगों को, दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की आधी संपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं कैसे इस पूरे तंत्र का मिसयूज किया जा रहा है, कैसे फायदा उठाया जा रहा है, और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू।